हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वंस अगेन वी आर मीट इन अवर टुडे साइंस क्लास। यू नो दैट अकॉर्डिंग टू सिलेबस टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर थर्ड चैप्टर, नेम इज फाइबर टू फैब्रिक। यू नो दैट व्हाट इज द मीन्स ऑफ फाइबर टू फैब्रिक। फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न एंड यार्न फ्रॉम फाइबर। Now, listen in Hindi language also, fiber, fabric जो होते हैं वो yarn से बनते हैं और yarn fiber से बनते हैं। जितने भी fibers होते हैं वो two types होते हैं। First one, please look here, first one that is about the fiber. We have two type of fibers. That is the natural fiber or next one that is artificial fiber. Or artificial fiber is also known as synthetic fiber. Synthetic fiber. Or name that is the man-made fiber. Man-made fiber. Now this is clear from here. Fibers, our topic name is fiber to fabric, in which first we want to know what is the means of fiber. Fiber two types hote hain, natural fiber or artificial fiber. Natural fiber aapko plants or animals se milte hain aur artificial fiber laboratories ke andar produce ki jate hain. उन्हीं को बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर और मैन मेड फाइबर। यू नो इन द प्रीवियस क्लास वी स्टडी अबाउट ऑल द नेचुरल फाइबर्स। नाउ हियर वी स्टडी दैट अबाउट द व्हाट सिंथेटिक फाइबर। और हियर वी हैव टू टाइप ऑफ द फाइबर, द एनिमल फाइबर, नेचुरल फाइबर are of two types, that is the plant fiber and animal fiber. In which plant fiber are studied by us in the sixth class. In this class we study about only the एनिमल फाइबर, इन विच द फर्स्ट एग्जाम्पल दैट इज द वूल और नेक्स्ट वन दैट इज द वूल एंड नेक्स्ट वन दैट इज द सिल्क। वूल और सिल्क आर व्हाट एनिमल। यार्न आर नीटेड into the sweater and silk fiber are woven into silk sarees or silk cloth. यहाँ पर हम बता रहे हैं कि वूल से वुलन आर्टिकल्स बनाए जाते हैं और सिल्क से सिल्की क्लॉथ्स बनाए जाते हैं। फर्स्ट वी वॉन्ट टू स्टडी अबाउट द वूल। देखिए आप वूल के बारे में क्या क्या है यहाँ पर। About the wool. What is wool? Wool is obtained from the thick coat of hair which grow on the bodies of some animals. मतलब wool क्या है? एक thick coat of hair होता है जो कुछ animals की bodies से मिलता है. Example sheep and goat. The hairs आर नॉन एज फ्लीस। मीन्स एग्जाम्पल हमने बताया आपको शीप और गोट, इनकी बॉडी के ऊपर जो भी हेयर्स मिलते हैं उनको फ्लीस बोला जाता है। द फर और हेयर ऑन द बॉडीज ऑफ अल्पाका एंड लामा केमल, अंगोरा रेबिट एंड याक आल्सो प्रोड्यूस स्मॉलर क्वांटिटीज ऑफ द फाइबर। मतलब शिप और गोट के अलावा
कुछ दूसरे एनिमल्स भी हैं जिनसे वूल मिलती है लेकिन क्वांटिटी थोड़ी सी कम होती है। उसके एग्जांपल हैं अल्पाका एंड लामा, ये दोनों कैमल की ब्रीड्स होती हैं, अंगोरा रेबिट एंड याक, इन सबसे भी वूलन फाइबर मिलता है लेकिन क्वांटिटी स्मॉल होती है। नाउ वी वांट टू नो व्हाट इज अबाउट द फीचर्स ऑफ वूलन फाइबर। वूलन फाइबर के फीचर्स के बारे में बात करें, इट इज सॉफ्ट, लाइट, ड्यूरेबल, इलास्टिक एंड व्रिंकल रेसिस्टेंस। इट इज हाईली पोरस एंड ट्रेप द एयर इन बिटवीन द स्पेस ऑफ फाइबर्स। वूलन फाइबर की हम बात बता रहे हैं, वूलन फाइबर में बहुत सारी एयर स्पेस होती है और यू नो दैट एयर इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एनर्जी। तो वूलन क्लोथ्स और ह्यूमन बॉडी के बीच में जो भी हीट प्रोड्यूस होती है वो बाहर नहीं जाएगी और बाहर की जो कूलनेस है वो बॉडी के कॉन्टेक्ट में नहीं आएगी। मीन्स इट एक्ट एज ए इंसुलेटर एंड डज नॉट अलाउ बॉडी हीट टू एस्केप। Therefore, it keep the animals warm and woolen fabric keep us warm during winter. तो सर्दी के समय पर इस तरह से हम अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं कूलनेस से। वन मोर थिंग, वूल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। मतलब एनिमल बॉडी में हम उसको टेस्टिंग करें तो उसको बर्न करने पर श्रिंक हो जाएगा और स्लोली बर्न होगा और उसकी स्मेल ऐसी होगी जैसे हेयर बर्निंग हो रहा हो। दैट इज इट इज द मेड अप ऑफ प्रोटीन। व्हेन हेल्ड अंडर द फ्लेम द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम शिप आर ऑफ टू टाइप्स। मतलब शिप से मिलने वाले जो फाइबर्स होते हैं वो भी टू टाइप्स होते हैं। एक होता है ऊपर वाला कोरेस बियर्ड हेयर और दूसरा होता है अंडर हेयर। तो कोरेस बियर्ड हेयर और दूसरा होता है फाइन कोट अंडर हेयर जो स्किन के बिल्कुल पास होता है। वूलन फाइबर आर प्रोड्यूस फ्रॉम फाइन अंडर हेयर। तो नीचे वाला जो अंडर हेयर वाला फाइबर होता है उसी से वूलन क्लोथ्स बनाए जाते हैं। और शीप आर स्पेशली ब्रेड टू प्रोड्यूस ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। मतलब शीप की जो ब्रीडिंग करवाई जाती है उसमें यही बात ध्यान में रखी जाती है कि सॉफ्ट वूलन क्लॉथ मिले। इन दिस प्रोसेस शीप्स आर केयरफुली चूजन टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग विच ग्रो ओनली सॉफ्ट एंड फाइन अंडर हेयर। इन शॉर्ट इन हिंदी लैंग्वेज आई एक्सप्लेन, इनकी ब्रीडिंग करवाने में पेरिएंटल जनरेशन में इस फीचर्स को ध्यान रखा जाता है कि इनके ऑफस्प्रिंग या यंग वंस जो डेवलप होंगे उनमें ज्यादा अमाउंट होगी अंडर हेयर सॉफ्ट वूलन फाइबर। और सच टाइप ऑफ प्रोसेस सेलेक्टिंग पेरेंट्स टू प्रोड्यूस स्पेशल करेक्टरिस्टिक इन द ऑफस्प्रिंग इज नोन एज सेलेक्टिव ब्रीडिंग। नाउ लुक एनिमल्स दैट यील्ड वूल, और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनसे हमें वूल मिलती है। मेनली शीप आर रेयर फॉर वूल, और इसमें भी बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज होती हैं, अलग अलग ब्रीड्स होती हैं। इसमें कुछ नेम बता रहे हैं हम आपको। फर्स्ट वन, फाइनेस्ट वूल ऑब्टेन फ्रॉम फ्लीस ऑफ मेरिनो शिप। मेरिनो शिप से मिलने वाला जो फ्लीस होगा वो फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ वूल होती है। बट इन अवर कंट्री पश्मीना इज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ वूल ऑब्टेन फ्रॉम ब्रीड ऑफ शीप फाउंड इन कश्मीर एंड सराउंडिंग हिमालयन एरिया। मतलब क्या हुआ कि पश्मीना ब्रीड जो होती है उससे मिलने वाली पश्मीना वूल होती है और उससे वो कश्मीर और उसके हिमालय के सराउंडिंग एरियाज के अंदर ये मिलती है।
अब पश्मीना के बारे में बता रहे हैं आपको, फाइनेस्ट क्वालिटी उसके फीचर्स हैं, इट इज फाइन लाइट फ्लफी एंड वार्म। वूल विच इज मेड इनटू द पश्मीना शॉल इन अवर कंट्री, पश्मीना शॉल इज वेरी फेमस। वूल इज आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम फर ऑफ गॉट या कैमल एंड रैबिट। प्लीज रिमेम्बर, इन एनिमल्स के फर और हेयर से भी वूल ऑब्टेन होती है, और फ्लीस ऑब्टेन फ्रॉम द कश्मीरी गॉट फाउंड इन द माउंटेन ऑफ चाइना एंड तिब्बत इज एक्सट्रीमली सॉफ्ट एंड वेरी एक्सपेंसिव। मोहेयर, मोहेयर क्या होता है, द फ्लीस ऑफ अंगोरा गॉट, इट इज वाइट स्मूथ एंड लस्टरस। अंगोरा फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा रैबिट हैज सॉफ्ट एंड फाइन हेयर। याक इज फाउंड इन तिब्बत एंड लद्दाख, एंड अल्पाका एंड लामा कैमल आर फाउंड इन अमेरिकन रिजर्व। नाउ बिसाइड द ब्रीड्स, इन ब्रीड्स के अलावा और भी शिप की ब्रीड्स होती हैं। क्वालिटी ऑफ वूल इस बात पर डिपेंड करती है कि वूल की लेंथ कितनी है, थिकनेस कितनी है, कलर की शाइनिंग कैसी है और स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर कैसा है। नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। ओके, नाउ वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास फॉर नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू वेरी मच।